नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बुरी खबर नेपाल के लिए निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट देखने को मिली है और नेपाल की ऑयल का दिवालिया भी घोषित हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि 150 रुपये प्रति लीटर अभी बिक रहा है पेट्रोल, आगे भी इससे ज़्यादा होने की आशंकाएँ जताई जा रही है। इसके पीछे के क्या हैं असली रीज़न और ये घटना कब से शुरू हुई, इन सभी की हम डिटेल से चर्चा लेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाए तो महंगाई बढ़ना तो आम सी बात है, और अगर किसी देश की अंदर महंगाई बढ़ जाती है तो आम आदमी के लिए जीना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे ये हो रहा है कि नेपाल में बढ़ती महंगाई अब आम आदमी की जिंदगी को नरक बना रही है। क्योंकि सरकारी कंपनी है जो कि नेपाली ऑयल ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है, इसलिए आने वाले महीनों में हम ये आस बिल्कुल नहीं लगा सकते कि पेट्रोलियम कम होगा, यानी कि पेट्रोलियम के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो कि अभी भी यहाँ पे 150 रुपये लीटर तक पहुंच चुका है। मौजूदा घटनाक्रम से इससे यहाँ पे और तेजी आने की भी आशंकाएं जताई जा रही है। पेट्रोलियम पदार्थ की बढ़ती कीमतों ने महंगाई को बेहताश बढ़ा दिया है, जिससे कि हम समझ सकते हैं जैसे कि इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, या फिर हम किसी भी गुड्स की बात करें जो कि घरेलू कामों में काम आते हैं, या फिर हम ऐसी चीज़ों की बात करें जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर काम आते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो स्पष्ट सी बात है कि इसके लिए हमें व्हीकल चाहिए, और अगर व्हीकल हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए पेट्रोलियम पदार्थ की आवश्यकता तो होगी ही होगी। और अगर जहां पे भी पेट्रोलियम पदार्थ की आवश्यकता होगी तो स्पष्ट है कि जो चीज, यानी कि हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल अगर महंगा होगा, डीजल अगर महंगा होगा, जाहिर सी बात है कि अगर पेट्रोलियम का कोई भी पदार्थ महंगा होगा तो इससे सभी जो चीज हैं गुड्स की, या फिर सभी जो चीज हैं जो उपयोग में ली जाती हैं, वो जाहिर सी बात है अपने आप महंगी हो जाएंगी। और इसी के कारण यहां पे नेपाल की जो यहां पे अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई है, और नेपाल की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था जो थी वो अपने आप में बुरे दौर से गुजर रही है। इसका दूसरा बड़ा रीजन पर्यटन इसलिए भी है क्योंकि पिछले लगभग तीन साल हो चुके हैं लॉकडाउन को लगे हुए, और इन 3 सालों में पर्यटन भी बुरी तरह से पिटा हुआ है, क्योंकि लगभग समय में पर्यटन बंद ही रहा है लॉकडाउन की वजह से, COVID-19 की वजह से यहाँ पे बॉर्डरें बंद कर दी गई हैं, फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, और ऐसी सारे के सारे सोर्सेज जो कि एक आम आदमी को जीने के लिए चाहिए होते हैं, जिससे कि वो अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी चलाता है, पर्यटन के जरिए वो अपनी आमदनी करता है, वो सारी की सारी बंद हो चुकी हैं, जिसका नतीजा अब ये निकल रहा है कि जो नेपाल की अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रही है। इसका दूसरा बड़ा रीज़न हम देख लेते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें कि कीमतों में राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसका कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ के बेहताश दाम बढ़ने के कारण जनता की जेब यहाँ पे सिकुड़ने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भी आने वाले समय में पेट्रोलियम उत्पादकों के दामों में कोई राहत नहीं मिलने की आशंकाएं जताई जा रही है, और जिससे स्पष्ट होता है कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी किस तरह से आ रही है। श्रीलंका की तरह नेपाल में भी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने पर्यटन पर आश्रित अर्थव्यवस्था को बेहद खराब कर दिया है, और इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था पर मंदी छा गई है। पिछले यहाँ पे 64 महीनों में महंगाई की दर सर्वाधिक यानी कि 7.11% पाई गई है, और खाने पीने की वस्तुओं के भी दाम आसमान को छू रहे हैं। नेपाल का आयत बिल भी 1 खरब रुपए को पार कर गया है, और इस वित्त वर्ष में ये बढ़कर यहाँ पे 51.1% की बढ़ोतरी ले चुका है, जिससे कि हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बुरे हालात या फिर कितने बुरे दौर में चल रहा है नेपाल अभी। अगर दोस्तों बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में यहाँ पे नेपाल की आबादी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पिछले 80 सालों में से अब की बार सबसे कम आबादी बढ़ी है नेपाल की। नेपाल के केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के अनुसार इस पर्वतीय देश की आबादी
2.99 करोड़ हो गई है, लेकिन देश की 12वीं जनगणना के अनुसार 80 सालों में से नेपाली आबादी सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। वहीं पे अगर बात करें नेपाली नागरिकों की कुल आबादी की, तो वो अब यहाँ पे 14,91,169 महिलाएं और यहाँ पे 1,42,91,311 पुरुष हैं। 10 साल पहले हुई जनगणना के अनुसार नेपाल की आबादी 2.64 करोड़ थी और यहाँ पे नेपाल की जनगणना वृद्धि की दर अगर बात करें तो 0.93, जो कि सबसे कम यहाँ पे वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि यह आबादी पिछले 10 वर्षों में केवल 27 लाख ही बढ़ी है, जिससे स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था पर आबादी का कोई असर ना के बराबर मान सकते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी मंदी आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि नेपाल के पास अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था पर्यटन, वो बंद हो चुका है। COVID-19 सबसे गहरा असर कर दिया है यहाँ पे नेपाल के ऊपर। आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।